हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। रातचीत रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू स्टफ नान। बहुत ही यम्मी नान है और बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इसको आप किसी भी चीज के साथ एंजॉय करिए, रायते के साथ, चटनी के साथ, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ। तो चलिए देखते हैं स्टफ्ड आलू नान बनाने के लिए मैंने क्या लिया है। एक कटोरी ये लिया है नॉर्मल आटा, जो गेहूं का आटा होता है, और एक कटोरी लिया है मैंने मैदा। इसमें आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं नमक, दो टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें ऑयल। इसको एक बार को मिक्स कर लेती हूँ और एक इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं। मेरा डो तैयार हो गया है। अब इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी सॉफ्ट होने के लिए। तो आलू स्टफ नान बनाने के लिए मैंने क्या करा है, ये चार आलू लिए हैं, बॉयल्ड पोटैटो है, बॉयल कर लिया है। इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। ये आलू हो गया मेरा सारा कद्दूकस। इसमें मैं थोड़ा सा पनीर भी क्रश करके डाल दे रही हूँ। पनीर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल लो, नहीं तो हम इसे खाली आलू के साथ भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा पनीर डाल रही हूँ। बाकी हम इसमें डालेंगे, एक टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला, और एक टेबल स्पून ही डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं डाल रही हूँ एक टेबल स्पून दमालू मसाला। आप दमालू का कोई सा भी मसाला ले लीजिए, मैंने ये SDS का दमालू मसाला लिया है, ये डाला है इस पर SDS दमालू मसाला। इसके साथ मैंने क्या करा है, ये एक प्याज को बारीक बारीक काट लिए, हरी मिर्चें और कुछ ये पुदीने के पत्ते हैं। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है नान में, तो मैंने पुदीने के पत्ते यूज़ करे हैं, और ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल रही हूँ करीब हाफ टेबल स्पून नमक। हमने आटे में भी नमक डाला है, इसलिए इसमें नमक हम इतना ही रखेंगे। और इसको एक अच्छा सा मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ये इसमें हमने आलू और प्याज डाला है, नमक भी डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ एक टेबल स्पून सत्तू, जो चने का आटा होता है, नॉर्मल जो भुना हुआ चना मिलता है उसको पीस के ही सत्तू बन जाता है। अगर आपके पास घर पे चना पड़ा हुआ है तो उसे पीस लेंगे। तो मैंने इसमें एक चम्मच सत्तू डाल दिया। इससे क्या होगा कि ये जो भी इसका पानी छोड़ेगा, सत्तू से एब्जॉर्ब होकर ये टाइट डो हमारा तैयार रहेगा। अगर सत्तू नहीं है तो आप बेसन को हल्का सा रोस्ट करके एक चम्मच बेसन डाल दीजिए। ये मेरी स्टफिंग तैयार हो गई। ये देखते हैं हम आटे का हमारे क्या हाल है। बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। हाथ में एक बार हल्का सा ऑयल लगा के इसको एक बार और देख लेती हूँ। बहुत बढ़िया, अब नॉर्मल इसके हम एक बार थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और इसका लोई बना लेंगे, जैसे लोई बनाते हैं नॉर्मल अपनी रोटी की। देखिए एक पेड़ा लेंगे हम नॉर्मली, इसको हल्का सा पहले बेल लेते हैं, और इसके बीच में हम ये अपना आलू जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो स्टफ कर लेते हैं, और इसको मोड़ के हल्का सा इसका मुंह अच्छे से बंद कर लेंगे ऐसे करके, और इसको अच्छे से घुमा देंगे और हल्के हाथ से दबा लेना है। आप इस पे चाहे सूखा आटा लगा के बेल लो, चाहे ऑयल लगा के बेल लीजिए, जैसे आपको इजी लगे वैसे बेल लीजिए। धीरे धीरे पहले फैला लेती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से मैं दिखा देती हूँ, और इसको हल्का हल्का बेल लेते हैं। अब इस पर मैं क्या करूँ, ये काली मंगरैल होती है, थोड़े से दाने डाल दे रही हूँ, आप चाहो तो डाल लीजिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा बस, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है खाने में। और एक हल्का सा बेलन इसके ऊपर से फिर से चला लेंगे ताकि ये इस पर सेट हो जाए आटे पे।
अब हमें क्या करना है, इसको हमने उठाना है और इसके बैक साइड में हम लगाएंगे पानी। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके बैक साइड में ऑयल नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये पानी लिया है मैंने, पानी लगा रही हूँ बस। अगर इसके बैक साइड में ऑयल होगा तो ये तवे पे चिपकेगा नहीं। नान बनाने के लिए हमें ये करना ही करना है कि यहाँ पे हम ऑयल लगाएंगे अच्छे से। और ये तवे की गैस मैंने जला दी है और ये पानी वाला साइड हम तवे पे रखेंगे। एक और बेल के दिखा देती हूँ, तब तक वो सिक रहा है। देखते हैं दूसरा जो हमने तवे पे रखा था पहला वाला, इसका क्या हाल है। ये देखिए ये चिपक चुका है अभी। इसको हमने तवा उल्टा करके इधर से सेकना है। मीडियम गैस रखेंगे और ये मीडियम गैस पे सेकेंगे। बहुत तेज गैस एकदम से मत कर दीजिए, धीरे धीरे सेकिए। और ये सिकने के बाद अपने आप बड़े आराम से निकल भी आएगा, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए आराम से निकल गया और ये देखिए बैक साइड से भी सिक गया है, जैसे तंदूर में सिकता है वैसे ही सिक गया है ये। इसे मैं रखती हूँ, एक और सेक के दिखाती हूँ। ये जो मैंने दूसरा वाला पेला है इस पर भी मैं लगाऊंगी पानी, अच्छे से पानी लगा देंगे और इसे तवे पे पानी वाला तवे तवे पे चिपका दिया। एक बार ये जहाँ पे रख दोगे आप वहीं पे चिपक जाएगा, इसको हिलाने की कोशिश मत करिए, बस इस पर टैप कर देंगे और ये इस पर चिपक जाएगा अच्छे से। ये देखिए ये फूलने लगा ना, अभी ये एक साइड से हो गया है। अब हम इसको पलट के वैसे ही सेक लेंगे, गैस मीडियम रखेंगे। बहुत ही बढ़िया सिक गया है और अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है आराम से ये नान हमारा निकल आया। देखिए बैक साइड से भी ये बिल्कुल सिक चुका है और ये रहा। ये देखिए आपका आलू स्टफ्ड नान रेडी है, बिल्कुल गर्मा गर्म। इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, जैसे मर्जी आप उसके साथ एंजॉय करिए। देखिए बहुत बढ़िया से ये सिक भी गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो एकदम गरम गरम, बहुत ही टेस्टी। फ्रेंड्स आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हम फिर मिलेंगे एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।